शरद भाई ये कैसा काम कर रहे हो दादा? इजाजत किसने दी आपको ये सब करने की? गवर्नमेंट ने दी। अरे तो गवर्नमेंट के बाप की जगह है क्या? ये हमारे बाप की, हमारे पुरखों की जगह है। दिया क्या परमिशन? मैंने क्या बाकी है प्रिंसिपल की? कोर्ट ने ऑर्डर दिया आपको कि जाओ आप करो काम। तुमको मालूम है इस पे बंद करो और कोर्ट से बात करो। चालू हो रही है प्रिंसिपल के भाड़ में। अच्छा, जो हमारी पगार के ऊपर जो है ना सब एक बात ध्यान दे लो। ये काम नहीं बन जाएगा ना तो कम से कम यहाँ 10,000 की पब्लिक आएगी, फिर उसको फेस करना। कल रात में यहाँ के महाराष्ट्र जितने हमारे सभा के परमिशन होता तो तुम अभी दिखाते साइड में। चलो दोस्तों, आज ये वीडियो पूरा देखना और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करना। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चलेगा कि कैसे वक्फ प्रॉपर्टी के नाम पर ये नमाजी कैसे हिंदुओं के जमीन को हिंदुओं के सामने ही कब्जा करते हैं और हिंदुओं के विरोध करने पर 10,000 लोगों को लाकर धरना प्रदर्शन और इस पर धरना देने की बात करते हैं। और तो और, यदि आप अपने जमीन को नहीं दोगे इन लोगों को तो ये लोग धमकाने लगते हैं, डराने लगते हैं, हजारों की संख्या में आकर आप पर हमला करेंगे, धमकाएंगे, डराएंगे। इसी वीडियो में ये सब बताया गया है। आप पहले इस वीडियो को पूरा देखिए कैसे हिंदुओं के जमीन को ये लोग कब्जा करते हैं। एक सेकंड मैं इनको बताऊं तुम बोला गवर्नमेंट चरण का, गवर्नमेंट चरण का मेरे बाप का है, मगर तुम सब परमिशन है। कौन सा परमिशन है? मतलब कैसा परमिशन है ये तो बताओ। आओ ना, ये नहीं, ये है क्या? मैं क्या बोलता है, ये क्या, ये बप प्रॉपर्टी है? क्या करते हैं आपको मालूम है? बप प्रॉपर्टी है या स्टे है? नौकरी चली जाएगी तुम्हारी। यहाँ स्टे है, बप प्रॉपर्टी है ये। वो क्यों बन पड़ा है सामने? हमारा बचपना गुजरा है यहाँ पर। ये बताओ आपके पास ऑर्डर है ना? ये गवर्नमेंट वाला, इसको पहले खाओ। अरे मैं गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्टर हूँ। कॉन्ट्रैक्ट देवीदास साहब है? नहीं नहीं, मैं शरद हूँ। शरद भाई, आपके पास ऑर्डर कॉपी बताइए, वर्क ऑर्डर कॉपी बताइए, बता दे प्लस प्लान बताइए। लाइए 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 साहब, लाओ। किसने दिया ये पे? ये कलेक्टर का, इस पे ये है। क्या है कलेक्टर का? सब पेपर में। हाँ ठीक है, एक बात बताओ, ये बप प्रॉपर्टी के अंदर किसी का माइकलाल में हिम्मत नहीं है? कॉलेज ने परमिशन दिया, फंडिंग भी स्कूल का ये है सब। जा भाई लेके आ पहला मिशन। कोई तो एक जन मिसेस यादव, मिसेस यादव है, मिसेस यादव है इधर जो फंडिंग दिया आपको? होगी मिसेस यादव का आप लोग मुंह में। अरे तो इधर ही लाके बताओ ना जगह पर। शरद भाई ये कैसा काम कर रहे हो दादा? इजाजत किसने दी आपको ये सब करने की? गवर्नमेंट ने दी। अरे तो गवर्नमेंट के बाप की जगह है क्या? स्टे है हमारे बाप की, हमारे पुरखों की जगह है। दिया क्या परमिशन? मैंने क्या बाकी है प्रिंसिपल की? ये बप प्रॉपर्टी है। कोर्ट ने ऑर्डर दिया आपको कि जाओ आप करो काम। तुमको मालूम है इस पे? ये इस्माइल यूसुफ कॉलेज गवर्नमेंट का नहीं है, गवर्नमेंट ऑफिस है। बफ है, बफ। कोई कोई हाथ नहीं लगा सकता इसके ऊपर। बात मालूम है कि इसके ऊपर स्टे है, मालूम है नहीं है पब्लिक का? तुम्हारे को है ना बहुत। चल मेरे साथ में, मैं तुम्हारे को बताता हूँ वहाँ पे सोशल काम करना। यहाँ पे क्यों, ये ओपन प्लेस के ऊपर क्यों कर रहे हो? बप प्रॉपर्टी पे क्यों कर रहे हो? ये हमारे पुरखों की जगह है। बात करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ऑफिसर आया है कोई? कौन है? कौन है? कौन है? क्या नाम? बुला बुला के ऑफिसर है। क्या नाम है? बुला उसको, हाथ दिखाइए, हाथ दिखाइए, बुला इसको। इधर बुलाओ ना उनको, नौकर है ना हम लोग, पब्लिक के नौकर है वो। इधर बुलाओ ना उनको। कौन बोलता है? तुम लोग काम करो, हमारे पैसे की पगार ले रहे हो, तुम उधर बिठा रहे हो। आप काम बंद करो, काम बंद करो, बंद काम करो और कोर्ट से बात करो। नहीं होना चाहिए। आप काम बंद करो और कोर्ट से बात करो। चालू हो रही है प्रिंसिपल के भाड़ में, वो हमारी पगार के ऊपर जो है ना सब। एक बात ध्यान दे लो, ये बप प्रॉपर्टी है। आएगा ना तो कम से कम यहाँ 10,000 की पब्लिक आएगी, फिर उसको फेस करना। कल रात में आके महाराष्ट्र के जितने हमारे सभा के परमिशन होता तो तुम अभी दिखाते साइड में। चलो ये बोलते, ये मुंबई का ना पुराना कोर्ट है, साइड में चलो। परमिशन साइड में करके बाप की जगह है क्या? ये 16 साल से कोर्ट में मैटर है। ये जगह किसकी है? ये हमारे पुरखों की जगह है, समझ गए? कलेक्टर के बाप की जगह नहीं है। पहली बात तो चौकी में बुलाओ, पहले इसको सील कराओ, ऑर्डर ऑर्डर है उसके पास। भाई वायरलेस पे बफ जगह है, बफ है, बफ है ये। और ये कॉन्ट्रेक्टर है, इसको इसको देखो क्या कोई कुछ नहीं कर सकता है। शरद बोरेले साहब, आपको कुछ भी किधर पे भी घुस जानेगा, मैं तुम्हारे घर में घुसूंगा तो अच्छा लगेगा। गवर्नमेंट की वर्क ऑर्डर, भाई गवर्नमेंट का वर्क ऑर्डर कैसे मिल सकता है यार? बप प्रॉपर्टी के ऊपर कैसे मिल सकता है, जरा आप मुझे ये बताइए। बहुत दिन से साजिश चल रही है और तुम उसके साथ में आ रहे हो साजिश में। एक बात आप बताइए, गवर्नमेंट कैसे दे सकती है बप प्रॉपर्टी के ऊपर ऑर्डर? ये सब घोटालेबाजी है आप लोगों का। बंद करो, क्या नाम है?
उनको बुलाओ ना, कौन है वो, बोलो ना गवर्नमेंट है कोई, बुलाओ उनको। कॉलेज का फंडिंग है, कॉलेज का पीए कल हमारे ग्रुप के साथ में था, उसने क्लियर किया कि हमने मना किया वाइकर साहब को, यहाँ पर एमएलए साहब को और कलेक्टर के लोगों को नहीं करना, ये दादागिरी से कर रहे हैं, इनके अल्फाज थे। आप प्लीज काम रोको, यहाँ से सब गाड़ियाँ बाहर निकालो। नहीं गाड़ी मत निकालो, सील करो यहाँ पे पुलिस को। हाँ बताया मैंने, सील करो, सील कराइए, सील कराइए गाड़ी से। चौकी पुलिस बुला, 100 डायल करो। दोस्तों इस वीडियो में आपने देखा होगा कि कैसे एक सरकारी अधिकारी को ये लोग धमकी दे रहे हैं कि आप अपना काम बंद कर दीजिए। इसलिए तो ये जाहिल जमात वक्फ बोर्ड के संशोधन का विरोध कर रहे हैं और कुछ मूर्ख हिंदू बिना कुछ सोचे समझे इनका विरोध कर रहे हैं। और जो मूर्ख हिंदू इन वक्फ बोर्ड संशोधन का विरोध कर रहे हैं, उन लोगों को ये नहीं पता कि आने वाले 50 सालों में इसके घर वक्फ प्रॉपर्टी बन जाएगा। दोस्तों ये जाहिल जमात ऐसे होते हैं कि सबसे पहले आपको डराते हैं, धमकाते हैं, तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, यदि फिर इसके बाद भी बात नहीं बना तब ये मारपीट पर उतर जाते हैं। ये जाहिल जमात ये कह रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी हमारे पुरखों का है, तो इन जमात जाहिलों को ये नहीं पता कि इनके प्रॉपर्टी अफगानिस्तान में पड़े हैं, ये तो जो खड़े हैं वो तो हिंदुओं की जमीन है, हिंदुओं की पुरखों की प्रॉपर्टी है। और ये जमात हमेशा झुंड में काम करते हैं, झुंड में झगड़ा करेंगे, झुंड में दंगा करेंगे, और तो और झुंड में नमाज भी पढ़ते हैं, बस्ती में भी झुंड में रहेंगे और घर पर भी झुंड में रहेंगे और वगैरह वगैरह, ये लोग झुंड में ही रहते हैं। दोस्तों वीडियो शेयर जरूर करना ताकि भारत के हिंदुओं को पता चल सके वक्फ प्रॉपर्टी कैसे हिंदुओं के लिए खतरा है।